आप शेयर करेंगे, अगले का मसला हल होगा, अगला आइडिया सीखेगा और उसका मसला हल होगा तो उसके दिल से आपके लिए भी दुआ निकलेगी। ये पूरा काम करने में हमें मुश्किल से 20 मिनट लगे हैं। तो 20 मिनट की ये मेहनत कर लेना 20 साल ऐसे क्रैक की शक्ल देखते रहना से कहीं बेहतर है। पानी मारेंगे तो जितनी ईंटें निकलती होंगी वो सारी निकल जाएंगी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कब हमें दीवार का ऐसा ऑपरेशन करने की ज़रूरत होती है, मतलब दरार कितनी खुली हो, कितना बड़ा क्रैक हो तो हमें इस तरह की सर्जरी करने की ज़रूरत है। तो उसका जवाब ये है कि अगर आपकी दरार यानी आपका क्रैक 3 mm और डॉक्टर फिक्सिट एक केमिकल होता है वो आपको हमसे मिल जाएगा। अगर आप चाहिए तो स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं, आप हमसे मंगवा भी सकते हैं, तो वो आपने इसमें फिल कर देना है। लेकिन अगर आपका दरार 3 mm से बड़ा है यानी जो, लेकिन उससे पहले आपने मुर्गा जाली भी ज़रूर लगानी है। यहाँ पर भी हम ज़रूर लगाएंगे, यानी प्लस्तर करने से पहले हम मुर्गा जाली इसके ऊपर लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं बिलाल भाई। तो आपको मैंने बताया था कि दीवार के ऊपर क्रैक आया हुआ है, ये जैसे आप देख रहे हैं। तो आज हम इस क्रैक की सिलाई कर रहे हैं। ये वो वीडियो है जो पूरा YouTube चैनल है, और अगर आपको मिल गई ऐसी वीडियो तो दावे के साथ कहता हूं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि बिलाल भाई ऐसी वीडियो पहले देख चुके हैं। मैं आपको बताता हूं, लोग सिलाई करते भी हैं अपने क्रैक्स की, लेकिन उसके बावजूद उनका मसला हल नहीं होता। वो क्या गलती करते हैं वो आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। क्या तरीका है कि आप ठीक तरीके से क्रैक की सिलाई कर सकते हैं वो आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। सिलाई तो आप समझती होंगे, जैसे आप देख रहे हैं दीवार फटी हुई है, तो हम इसको सी देंगे कि अगर मजीद सेटलमेंट होती भी है तो भी ऊपर वाले रद्दे नीचे वाले रद्दे को खींच के रखें और उसको सेटल होने ना दें। मतलब कम से कम क्रैक वहां से नहीं आएगा जहां से पहले आया था, ठीक है। तो ये सिलाई का क्या तरीका होगा, बहुत इंटरेस्टिंग और दिलचस्प टेक्नोलॉजी होने वाली है। ये आप मेरे हाथ में 4 सूत्र का सरिया देख रहे हैं और ये हमने बनाया हुआ है सी शेप में। अच्छा, लोग क्या करते हैं कि अपने क्रैक्स की सिलाई के लिए सरिये के, ये तो आप सी सेक्शन देख रहे हैं, लोग सी सेक्शन नहीं लेते, लोग सीधा सीधा सरिया लेते हैं। जैसे कि ये तो काफी मोटा, खैर वो है, समझ ले सरिये का पीस है। लोग इस तरह सरिया लेके जो दो दीवारें होती हैं उनके बीच में इस तरह से यू रखते जाते हैं। ऐसे अगर करेंगे तो दीवार अगर मजीद सेटल होगी तो ये भी उसके साथ सेटल होता जाएगा, ये कोई सिलाई नहीं होती। तो ये आप देख रहे हैं सी सेक्शन है। इस तरह के 3 सी सेक्शन हम दीवार में इंस्टॉल करेंगे 3-3 फुट के फासले पे, तो 3 जगह से दीवार को टांके लग जाएंगे। ये चीज आपने, ये कॉन्सेप्ट पहली दफा देख रहे होंगे, आपने पहले इससे देखा नहीं होगा, या देखा भी होगा तो सही तरीके से नहीं देखा होगा जो इसका सही तरीका है करने का। तो इसके लिए आप देख रहे हैं कि हमने यहां पर दीवार में से ईंट निकाल दी है और ये पूरा ये छेद कर दिया है यहां पे, ऐसे कि हम इस सी सेक्शन को बिठाएंगे यहां पे। तो अब मजीद अगर सेटलमेंट होगी तो ये ऊपर वाला जो सरिया है ये मेन किरदार अदा करेगा, ये नीचे उसको बैठने नहीं देगा क्योंकि ये अड़ जाएगा उसके साथ में। इसी तरह से एक सी सेक्शन हम यहां पे बनाएंगे और एक सी सेक्शन हम आगे करके बनाएंगे। तो कम से कम 3 टांके हम लगाएंगे जिससे इस बात को यकीनी बनाया जा सकेगा कि ऊपर वाले रद्दे नीचे वाले रद्दों को पकड़ के रखें। और फिर सरिया डाल के हम इसमें 0 की चिप्स कर देंगे साथ में। चिप्स आपको पता है वैसे ही बहुत अच्छा वाटर प्रूफर होता है और साथ ही उसकी बहुत मजबूती भी होती है कॉन्क्रीट की तरह से। तो बहुत जबरदस्त ये पूरा आपको प्रोसीजर इस वीडियो में देखने को मिलेगा। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि मेरी हौसला अफजाई हो, मैं ऐसा ही वैल्यूएबल कॉन्टेंट आपके लिए लाता रहूं। ये हमने सी सेक्शन बना लिया है और ये देखें, ये इसमें हम सरिया फिट करेंगे इस तरह से। सरिये को आपने जिस डायरेक्शन में क्रैक आ रहा होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रखना है ताकि शियर फोर्सेस ज्यादा से ज्यादा हो और वो बैठने ना दे। अब देखें, अगर अव्वल तो इसमें सेटलमेंट होगी नहीं, लेकिन अगर होती है तो ये सरिये की जो लेंथ है सरिया उसको सेटल होने से रोकेगा, क्योंकि सरिया टेंशन में बहुत अच्छा होता है, कंप्रेशन में कॉन्क्रीट अच्छी होती है। तो ये टेंशन लेगा सरिया, अगर वो बैठने की कोशिश करेगा तो सरिया खिंचेगा, खिंचाव में सरिया बहुत अच्छा होता है तो वो स्ट्रेस ले सकता है। एक सी आप यहां पे देख रहे हैं, ऐसा ही एक सी हम इधर बनाएंगे और ऐसा ही एक सी हम उधर बनाएंगे। यार हथौड़ा है, हथौड़े टाइप हथौड़े। जबरदस्त।
अच्छा यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि सरिया हमने सी रखा है, हम इसको एस भी रख सकते थे, मतलब यहां से यूं, यहां से यूं, यहां से यूं, या जेड भी रख सकते थे, एक सिरा इस तरफ होता है, एक यू एक यू, तो उसकी वो मजबूती ना होती, क्योंकि अगर बैठता तब भी मजबूती होती, लेकिन उसमें वो सरिया फ्लेक्सिबिलिटी से बेंड हो सकता था। जब इसको आप सी सेक्शन बनाएंगे तो वो मैक्सिमम स्ट्रेस ले सकेगा, क्योंकि वो वहां से फिसल नहीं सकेगा, वो जिस डायरेक्शन में उसका एक एंड है उसी डायरेक्शन में उसका दूसरा एंड है। सो ऐसे उसने पकड़ लिया दीवार को, दोनों दीवारों को आपस में आप पकड़ रहे हैं। इसी तरीके से आप देख रहे हैं ये एक सी सेक्शन हम यहां पे रख रहे हैं, यूं बनाएंगे हम। नीचे कमेंट करके बताएं आपने इस तरह दीवार की सिलाई कभी देखी है, दराड़ की सिलाई, और अगर देखी है तो उसमें किस तरह का सरिया इस्तेमाल हुआ था, क्या वो एक सीधा डंडा था या एस था या जेड था या इस तरह सी था। एक यहां पे हो गया जी, एक यहां पे करेंगे जी, और एक यहां पे करते थे जी, ये वाला ऊपर करते थे। ये हमारी दीवार है 4.5 फुट बाय 10 फुट की, इसमें हम 3 टांके लगा रहे हैं। और मैं ये टांके लगवा के इसके ऊपर चिप्स करवा के फिर इसको चिप ऑफ करके यहाँ पे पूरी प्यारी सी टाइलिंग करूंगा। बाद में आपको रिव्यूज देता रहूंगा, अगर ये क्रैक वापस आना हुआ तो ऑब्वियसली मेरी टाइल्स टूट जाएगी, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि साइंस हमने बहुत जबरदस्त सोच के ये लगाई है। इसमें ये अक्रम भाई को भी क्रेडिट जाता है, क्योंकि मैंने भी आइडिया दिया, इन्होंने भी साथ में, हम दोनों ने मिलकर सोचा और इस आइडिया के साथ सामने आए। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल के साथ अभी अभी जुड़े हैं और वो पहले से इस सीरीज को फॉलो करते नहीं आ रहे, उनको मैं बता दूं कि ये एक पुराना वॉशरूम है जिसकी सारी टाइल्स तोड़वा के हम लोग नई टाइल्स लगवा रहे हैं, और उसका बुनियादी मकसद ये था कि यहाँ पर इंडियन सीट लगी हुई थी तो उसको चेंज करके हमने अमेरिकन कमोड लगाना था, तो उसके साथ में टाइल्स तो कुछ एरिया की तो टूटनी ही थी जहाँ से सीट उखाड़ी, तो हमने फिर सोचा कि पूरे बाथरूम की टाइल्स को रिन्यू कर देते हैं और साथ ही साथ इस दरार का भी इलाज कर देते हैं। इस सिलसिले में कौन सी टाइल्स मैंने देखी हैं अब तक, क्या बर्तन और फिक्स्चर्स मुझे पसंद आए हैं, उनके बारे में पिछले पार्ट्स मैंने बनाए हैं जिनके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देता हूं, अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखे तो वहां से प्लीज जाकर देख लीजिए। हाँ जी अक्रम भाई, आपने भी इसके ऊपर रिसर्च की जी, कैसे, क्या आपकी रिसर्च जर्नी रही, किस किस से आपने पूछा, क्या आपने, किस तरह से ये आइडिया फाइनल हुआ हमारा? मैंने मुख्तलिफ लोगों से पूछा, किसी ने बोला सीधे खड़े लगा दो, किसी ने बोला कील लगा दो, किसी ने कुछ मशवरा दिया, किसी ने कुछ। एक लड़का है हमारा टायर वाला ना, मैंने उससे पूछा कि ये दोबारा जब क्रैक आएगा तो ऑटोमेटिकली टूट जाएगी टायर। उसने बोला आप इस तरह सी बनाए, सी टाइप बना के फिर ये पकड़ कर लेगा, बिल्कुल सही, अगर बैठेगा तो ये वजन बर्दाश्त कर लेगा, सही है, अगर दीवार नीचे आएगी तो ये पकड़ कर लेगा, फिर दोबारा ये नहीं आएगा। और सरिया हमने कौन सा लिया, ये 4 सूत्र का सरिया जी, 4 सूत्र, 4 सूत्र का है, और ऊपर से आप देख रहे हैं रिब्ड है इस तरह से, तो ये वाला सरिया इस तरह से आपने लेना है। और ये पीस कितना लंबा है? ये पीस 3 फुट का मेरे ख्याल, 2.5 से 3 फुट, ये 2 फुट का पीस है अक्रम, 2 फुट का, 2 फुट का, 2 फुट का पीस है, और इसको 3 फुट का है, अच्छा वो उसकी, हाँ ठीक है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। हमारा तजर्बा इंशाल्लाह कामयाब होगा, इंशाल्लाह कामयाब होगा। क्रैक्स की नाजरीन मुख्तलिफ वजह हो सकती हैं, एक ये कि बुनियादों में पानी आ जाता है, या ये कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं होती है, दीवारें प्लम्ब नहीं होती, या नीचे प्लिंथ बीम बनी होती है, कुछ भी रीजन हो सकता है क्रैक के आने का, लेकिन ये वीडियो क्रैक के रीजन के बारे में नहीं। अगर आपने क्रैक का रीजन जानना है उसके बारे में एक पहले वीडियो बना चुका हूं, उसका ये थंबनेल है और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, अगर आप ये वीडियो देखना चाहें तो ये भी देख सकते हैं। सही है, ये जो ईंटे टूट रही है ना, टूटे हुए इनको निकाल दो, टूटी हुई ईंटों को, जिन्होंने टूटी हुई है बस जुड़ी जुड़ी भी रहे हो, फिर मसाला इनमें जाए।
ये हम चिप्स बना रहे हैं, ये जीरो की चिप्स है ना, ये देखें ये बहुत बारीक इसका दाना है, ये देखें इसमें हमने सीमट मिक्स किया है, चिप्स है, सीमट है, पानी है। चलो मिक्स करें, ये हम भरेंगे दीवार में। चले यहाँ पे ये चिप्स बन रही है, दूसरी तरफ तीसरे टांके के लिए छेद तैयार हो गया होगा, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये देखें एक वो है, एक वो है, और एक ये तीसरा सी भी हमने रख दिया है, ये देखें जबरदस्त। और इसमें से जितनी जो टूटती हुई ब्रिक्स है ना, उनको हम बाहर निकाल रहे हैं, ऐसे उनको जबरदस्ती अंदर नहीं रख रहे, इस सारी जगह को हम ठोस मसाले के साथ भरेंगे। जैसे ये आप टूटे हुए पीसेस देख रहे होंगे, अक्रम ये निकाल दो अभी वहां से फारिग होके, ये जो टूटे हुए पीसेस है ना ईंट के, ये निकल जाएंगे। और ये देखें यहाँ पे ये आ गया सी सेक्शन पूरा, इधर ये सी सेक्शन आ गया, मतलब ये दो दो फुट के फासले पे, और एक यहाँ पे आ गया, और ये हमने तिरछा यूं करके लगाया। तो बड़ा जबरदस्त किस्म का साइंटिफिक ऑपरेशन हमने किया है। ये वीडियो 100% डिजर्व करती है वायरल होना। आप लोगों के अपने घर में क्रैक है या आपके रिश्तेदारों के घर में क्रैक है, कोई भी इस मसले से परेशान है, उसके साथ ये वीडियो शेयर करें, शेयर करें, शेयरिंग इज केयरिंग। आप शेयर करेंगे अगले का मसला हल होगा, अगला आइडिया सीखेगा, और उसका मसला हल होगा तो उसके दिल से आपके लिए भी दुआ निकलेगी। क्या ख्याल है अकरम, है नहीं है? ये सब सोशल सर्विस है। बहुत लोग अपने घरों में क्रैक्स से परेशान है, और इतना कोई मुश्किल ऑपरेशन नहीं है। आप देखें ये पूरा काम करने में हमें मुश्किल से 20 मिनट लगे हैं। चैनल थोड़ा आपने लेना है, इस तरह से आपने तोड़ना है, और आपने टूटी हुई ब्रिक्स निकाल देनी है, सी रखना है, चिप्स तैयार करनी है, भर देनी है, एज सिंपल एज दैट। ये देखिए चिप्स भी तैयार होके आ गई है। बेड के ऊपर हमने ये बेडशीट्स डाल दी है, इनको बाद में हम धो लेंगे ताकि कोई भी अगर मिट्टी वगैरह उड़ रही है तो धुल जाएगी बाद में। घर में शिफ्ट होने के बाद उसमें मुरम्मती काम कराना या कुछ भी चेंज कराना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। शुरू शुरू में तो एक ही हल्ले में सारा घर बढ़ता जाता है, मसला आपको पता नहीं चलता। तो एक आप उसको फर्निश कर लेते हैं, फिर फर्नीचर को भी साफ रखना, साथ में काम की चाल बनाना, साथ वो सारा, फिर बाद में सफाई करना। बहरहाल हिम्मत करता है इंसान तो अल्लाह मदद करता है। एक दफा का काम है, ये क्रैक से जिंदगी भर इंशाल्लाह जान छुट जाएगी, और ये क्रैक मजीद आएगा भी नहीं। ये क्रैक वो ये जो बनते साथ जितना आ गया था, उसके बाद मजीद कई साल हो गए इसको और बिल्कुल क्रैक नहीं आया। इस तरह से आप पानी मारेंगे तो जितनी ईंटें निकलती होंगी वो सारी निकल जाएंगी, और वैसे भी आपको सरफेस को तर करना पड़ेगा इसमें मसाला भरने से पहले। और ये देख रहे हैं आप, ये चिपिंग हो रही है, ये हम चिप कर रहे हैं इस सरफेस को, क्योंकि यहां पे हमने टाइलें लगानी है। ये ऐसे दीवार के ऊपर टाइल कभी नहीं लगती, आपको पहले रफ करना पड़ता है, उसके ऊपर टाइल लगती है। ये मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, आप भी मेरा साथ दीजिए। आपने करना सिर्फ इतना है कि इस वीडियो को शेयर करना है, इसको लाइक करना है, और कमेंट्स में माशाल्लाह लिखना है आपने, बस इतना आपने करना है। तो इस वीडियो को वायरल आप लोग कर सकते हैं, और जितने लोगों को इससे मदद मिलेगी उसमें आपको भी सवाब मिलेगा इंशाल्लाह, क्योंकि आपकी अगर नेक नियति होगी, आप किसी के साथ भला करना चाहेंगे, लोगों को सिखाएंगे किस तरह से ठीक तरह से काम करें, तो कोई दुआ करे ना करे अल्लाह ताला देख रहा है। ये हमने भरनी शुरू कर दी है, ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से इधर भी भरेंगे और उधर भी भरेंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कब हमें दीवार का ऐसा ऑपरेशन करने की जरूरत होती है, मतलब दराड़ कितनी खुली हो, कितना बड़ा क्रैक हो तो हमें इस तरह की सर्जरी करने की जरूरत है। तो उसका जवाब ये है कि अगर आपकी दराड़ यानी आपका क्रैक 3 mm से कम है, तो फिर आपने ये करना है कि ग्राइंडर वाला बुलाना है, बंदा जिधर जिधर दराड़ है उधर उधर ग्राइंडर से 3-3 inch तक अंदर तक छेद करवा लें, और अच्छी तरह से उसकी अंदर से सफाई कर लें ब्रश मार के। और डॉक्टर फिक्सिट एक केमिकल होता है, वो आपको हमसे मिल जाएगा, अगर आप चाहिए तो स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हैं, आप हमसे मंगवा भी सकते हैं, तो वो आपने इसमें फिल कर देना है।
लेकिन अगर आपका दरार 3 mm से बड़ा है, यानी जो उसका क्रैक है वो 3 mm से ज़्यादा खुला है, तो फिर आपको चाहिए कि आप इस किस्म का ऑपरेशन करें। उसमें फिर आपको प्रॉपर सी सेक्शंस बना के, पहले की टूटी हुई ईंटें निकाल के और इस तरह सरिया भर के फिर चिप्स करनी पड़ेगी, और फिर उसको आपको प्लास्टर करके पेंट करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपने मुर्गा जाली भी ज़रूर लगानी है, यहाँ पर भी हम ज़रूर लगाएंगे, यानी प्लास्टर करने से पहले हम मुर्गा जाली इसके ऊपर लगाएंगे। ये हमने इसमें भर दिया चिप्स, चिप्स भरने के बाद इस पर हम ऊपर मुर्गा जाली भी लगाएंगे और फिर इसका प्लास्टर होगा, और बाकी जो दीवार है उसको हम चिप ऑफ करेंगे, जैसे कि आप वहां पर देख रहे हैं, ताकि इसके ऊपर हम टाइल लगा सकें। ये देखें, ये जीरो के चिप्स के साथ हमने इसकी फिलिंग कर दी। अब इसके ऊपर हम जाली के पीस लगाएंगे, मुर्गा जाली, ऊपर से हम चिपिंग करेंगे, और फिर आगे कैसी टाइल लगती है ये आपने देखना जरूर है। बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज, आप देखिएगा कि कितना खूबसूरत बाथरूम इंशाल्लाह बन के तैयार होगा। तो व्यूअर्स, वीडियो क्योंकि काफ़ी लंबी हो रही है, इस वजह से आगे इसकी फिलिंग पूरी दिखाना और फिर मुर्गा जाली लगा के आगे टाइलिंग का प्रोसेस वो आपको फर्दर स्टेप्स में दिखाऊंगा। आज की वीडियो यहीं तक, उम्मीद करता हूँ आपकी बहुत रहनुमाई होगी। तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दीजिए और देखते रहिए बिलाल ज़फ़र शो। बिज़नेस करो भाई को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, हिना बिलाल शो को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दुआओं में याद रखिए। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।